नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। देश के कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे है। पॉजिटिव मामले बढ़ने से एक बार फिर से चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। उद्धव सरकार का 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा की छूट रहेगी, लेकिन इन सबके बीच लापरवाही लगातार देखने के लिए मिल रही है। लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 6 महीने में एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, बाकी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जलगांव में 15 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा नासिक में आंशिक लॉकडाउन रहेगा। पुणे में नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं, जिसमें रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। वहीं उस्मानाबाद में रात के वक्त कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को निकलने की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजेस को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट में रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को 50% की क्षमता के साथ चलाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। लगातार देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूरे देश की हम बात करें तो 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, और इसमें अकेले महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।